गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, यानी लेखक बड़े भाई की डांट डपट सुनकर उनके आंसू आ जाते थे। लताड़ मीन्स डांट डपट। जवाब ही क्या था इसका, उनके पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि वो हरदम खेल में व्यस्त रहते थे। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। अपराध यानी लेखक खेल कूद में मस्त रहते थे तो गलती तो करते थे, लेकिन वो सहना एक मुश्किल कार्य था। भाई साहब उनके जो बड़े भाई थे वो उपदेश की कला में निपुण थे, अर्थात उन्हें हरदम उपदेश देते रहते थे कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ये होगा। उन्हें पूरी पढ़ने की कला को बताते रहते थे, ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। बड़े भाई साहब लेखक से ऐसी ऐसी बातें कहते जो लेखक के हृदय तक चुभ जाती थी। ऐसे ऐसे सूक्ति बाण, सूक्ति बाण मीन्स पैना तीखा व्यंग्य करना। यह भी एक मुहावरा है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, सूक्ति बाण चलाना। उसके बाद जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, यह भी मुहावरा है यानी हृदय टूट जाना। उसके बाद में नेक्स्ट अगला मुहावरा है हिम्मत टूट जाना, मीन्स निराश हो जाना। इस पंक्ति में तीन मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो लेखक के बड़े भाई लेखक से ऐसी बातें कहते थे जो उनके हृदय तक चुभ जाती थी, तीखी तीखी बाण चलाते थे, यानी तीखी तीखी चुपती चुपती बातें कहते थे जिससे हृदय, जिससे लेखक के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और उनकी हिम्मत भी टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़, जान तोड़ भी देखिए, जी जान तोड़कर, ये भी एक मुहावरे के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी जी जान मेहनत करके, मेहनत करने की शक्ति में अपने में ना पाता, यानी हरदम दिन रात मेहनत करने की शक्ति लेखक के अंदर नहीं थी। और निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, जब वो सारी बातें अपने बड़े भाई की सुनते थे तो उन्हें निराशा आ जाती थी और लेखक सोचने लगते थे क्यों ना घर चला जाऊं। उनके मन में यह बेचारा आता था कि मैं हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। वो कहते थे जो काम मेरे बस की नहीं है, देखिए ये भी मुहावरा है, मेरे बूते के बाहर यानी मेरे बस के बाहर, जो उनके काम उनके बस में नहीं था, जो काम वो करने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी, वो कहते थे कि उसमें हाथ डालकर क्यों मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जो काम मैं नहीं कर सकता, यानी उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूड रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत करने से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। इसमें लेखक सोचते हैं कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं मेहनत कर उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता है, मैं निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बच्चों ये चक्कर आ जाना भी एक मुहावरा है, इसे नोट कर लीजिए, परेशान हो जाना। लेकिन घंटे दो घंटे बाद, यानी जो उनके बड़े भाई कहते थे वो बातें सारी उन्हें घंटे दो घंटे तक ही उनके दिमाग में रहती थी। उसके बाद निराशा के बादल फट जाते। ये निराशा के बादल फट जाना भी एक मुहावरा है, यानी निराशा के का दुख समाप्त हो जाना। कुछ देर तो उनके मन में निराशा का भाव रहता था लेकिन बाद में वो सब दूर हो जाता था। और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। उनके मन में यह बात आती कि मैं फिर आगे खूब मन लगा पढ़ूंगा, जो आगे क्लास में आ जाऊंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, लेखक ने तुरंत ही एक टाइम टेबल बना लिया। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। लेखक के मन में विचार आया, कोई भी हम कार्य करने से पहले उसका पहले प्रारूप तैयार करते हैं। जैसे लेखक ने सोचा कि पहले मैं टाइम टेबल बना लूं, उसके बाद मैं उस पर अमल करूंगा। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। वो टाइम टेबल बनाते थे तो इतने सारे विषय थे कि उसमें खेल कूद का समय बिल्कुल नहीं रहता था। मत मीन समय, या उसी में खेल कूद के
का समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, उनका टाइम टेबल का प्रारूप देखिए, प्रातः 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, यानी सुबह उठने के बाद 6 बजे से 8 बजे तक क्या पढ़ना है? अंग्रेजी। 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब 9 से 9:30 हिसाब मीस मैथमेटिक्स। उसके बाद में 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 यानी पहले 9:30 बजे तक इतिहास पढ़ा, फिर भोजन किया, उसके बाद में वो स्कूल चले गए। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, स्कूल से आने के बाद में उन्होंने आधा घंटा आराम किया, उसके बाद 4 से 5 तक भूगोल विषय। 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, देखिए अंग्रेजी कंपोजिशन का अर्थ होता है अंग्रेजी शब्द रचना, ये करना। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, उसके बाद विश्राम करना। इस तरह लेखक ने अपना टाइम टेबल सेट किया।